हेलो एस्पायरेंट्स, हाय, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को क्लैट 2022 के जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लैट का एग्जाम हो चुका है, एलेट का भी एग्जाम हो चुका है और क्लैट के रिजल्ट भी आ चुके हैं। और क्लैट के रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर हम अगर देखें तो क्लैट ने ये एक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया है, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैलेंडर फॉर 2022, क्लैट 2022। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट 24 जून 2022। तो कंसोलिडेटेड मेरिट लिस्ट जो होती है वो एक पूरी लिस्ट रहेगी जहाँ पर आपकी क्लैट की जो रोल नंबर आईडी है वो रहेगी और साथ में मार्क्स और रैंक रहेगी। तो वो अभी तक क्लैट ने हालांकि निकाला नहीं है, बट क्लैट ने पर्सनलाइज लिस्ट जो मार्क्सशीट है और रिजल्ट है वो निकाल दिया है। तो आप सभी क्लैट की जो साइट है, जो कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in है, वहां पर आप जाकर अपना अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आप जाकर अपना अपना रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्लैट ने कहा पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग इनवाइट लिस्ट ये कब रिलीज करेंगे, 25th of June 2022 को। तो यहाँ पर और इसी के साथ क्लैट ने एक यहाँ पर काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन करके भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। इस डॉक्यूमेंट में आप देखिए, इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन टू कंसोर्शियम वेबसाइट एंड कंफर्म इफ दे हैव बीन इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग। फर्दर एन ईमेल ऑब्लिक एसएमएस शैल बी सेंड टू ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स इनवाइटिंग देम फॉर काउंसलिंग। द काउंसलिंग इंफॉर्मेशन विल बी अपलोडेड ऑन द कंसोर्शियम वेबसाइट एज वेल। कैंडिडेट्स मे लॉग इन टू देयर क्लैट अकाउंट एंड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। Candidates are advised to log in and check if they have been invited for counseling. CLAT consortium will not be responsible for non-delivery of email or SMS. तो यहाँ पर CLAT ने clear कह दिया है कि जो counseling की notification है वो आप अपने अपने site पर, अपने अपने CLAT consortium पे अपने account में जाकर देख सकते हैं कि whether you have been invited for counseling or not. तो email के भरोसे सिर्फ मत रहिएगा, email या SMS, कि अगर आप को अगर ईमेल या एसएमएस नहीं आया तो आप सोच निराश हो जाओगे कि बॉस मुझे काउंसलिंग के लिए इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल नहीं, क्लैट का कंसोर्शियम कंसोर्शियम यहां पर क्लियरली कह दिया क्लैट कंसोर्शियम ने कि दे आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ ईमेल और एसएमएस। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग एक बार जाकर अपने अपने क्लैट कंसोर्शियम पे जो आपके अकाउंट्स है उसमें लॉग इन कीजिए और चेक वेदर यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस CLAT counseling 2022 or not। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम कैलेंडर देखें तो काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय इनविटेशन टू अप्रोक्सीमेटली 5 times द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी। तो ईच कैटेगरी में जितने सीट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज कि ये जनरल कैटेगरी में 1500 seats है या 1000 seats है, तो जनरल कैटेगरी के 5000 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए इन्विटेशन भेजते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 times द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी, तो इनविटेशन उस हिसाब से जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिस्ट है, यहाँ पर अगर मैं आपको एक क्लैट अकाउंट में लेके जाता हूँ, सीधे से क्लैट अकाउंट, यहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा वेलकम, आपका नाम टू द क्लैट 2022 एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना कैटेगरी वाइज भी रैंक चेक कर सकते हो, जो आपने कैटेगरी भरी थी, जो डोमिसाइल भरा था या जो अदर स्पेसिफिक कैटेगरीज भरी थी उसके हिसाब से भी आप अपना रैंक चेक कर सकते हो, क्लियर है ये। और फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द क्लैट 2022 काउंसलिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि यू हैव गॉट यू आर इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस, आपको काउंसलिंग के लिए इनविटेशन आया है, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन की डेट है 25th of June से 27th of June। 27th of June रात को, मतलब कि आज 26th है, कल 27th है, कल रात 12 बजे से पहले तक आप कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन अपने आप को काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हम एक बार देखते हैं, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसेस। सी, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अपडेट योर एनएलयू प्रेफरेंस, यहाँ पर आपको अपना जो एनएलयू प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। आप एक बार अपना एनएलयू प्रेफरेंस भर देते हो कि सपोज यहाँ पर व्यू एंड अपडेट प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपके पास लिस्ट है, आपको आप मान लीजिए मैंने सबसे पहले एनएलएस भरा,
फिर मैंने नालसार, फिर मैंने मान लीजिए भोपाल भरा, थर्ड प्रेफरेंस पे मैंने रायपुर भर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे करके चार पांच मिनिमम आपको पांच प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे। सी यहाँ पर सबसे मिनिमम है, यहाँ पर आपको पांच प्रेफरेंस भरने ही पड़ेंगे, दैट्स द बेयर मिनिमम। आप फिर उससे ज्यादा भी भर सकते हो, नॉट एन इशू, बट मिनिमम आपको पांच प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे, फिर यहाँ पर अपडेट प्रेफरेंस जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड देयर रेफरेंसेस केयरफुली एंड कंसिडरिंग ऑल ऑप्शंस एंड देयर मार्क्स एंड रैंक्स। तो आप ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से भर दिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं करता हूँ कि किसी की रैंक आई है 4000, वो उसने पांच प्रेफरेंस भरे, पांच प्रेफरेंस में उसने NLS नालसार, NUJS, NLU जोधपुर और NLU भोपाल, बस इसने यही पांच भरे, ठीक है। तो ऐसा मत करना बॉस, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज NLUs फॉर विच दे हैव प्रोवाइडेड द प्रेफरेंस। एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट हैज चूजन ओनली 5 NLUs, देन ही और शी विल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ ओनली in those 5 NLUs and not any other NLU, even if vacancies are available in other NLUs and as per the merit he or she may be entitled to get admission. So suppose कीजिए आपकी rank आई है 2000, आपने भर दिया यहाँ पर NLS, नालसार, NUJS, NLU जोधपुर, NLU भोपाल, ये पांच भर दिया, ये पांच में से कोई आपको 2000 all India rank 2000 में नहीं मिल रहा है, तो आपको कोई NLU नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐसी कोई एनएलयू भरी ही नहीं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है आपकी रैंक के हिसाब से। तो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से आपका जो रैंक है, आपका जो कॉलेज की प्रेफरेंस है, आपका जो मार्क्स है, सब ध्यान में रख के भरिएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए आपकी रैंक हाई है 300, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे NUJS डाला है, सपोज कीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे NUJS डाला और आपने सेकंड प्रेफरेंस पे नालसार डाला, ठीक है, और आपकी रैंक आई है 200। मैं फर्ज करता हूँ कोई कारण, कोई वैकेंसी, कुछ भी कारण से आपको नालसार मिल सकती थी, बट चूंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे NUJS डाला तो आपको NUJS ही देंगे, दे डोंट केयर कि कौन सी कॉलेज की रैंकिंग बेटर है, क्लियर है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट देखेंगे। आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने मान लीजिए, मैं फर्ज करता हूँ आपने महाराष्ट्र NLU डाला है और सेकंड प्रेफरेंस पे आपने NLS डाला है, तो वो आपको अगर आपको MNLU मिल रही है, वो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगी अगर ऑल इंडिया रैंक बने, तो आपको जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे वही मिल जाएगी, तो आपको वही मिलेगी जो आपकी प्रेफरेंस वाइज जो आपके हायर ऑर्डर पे रहेगी आपको वो ही देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये आपने अपडेट कर दिया अपना प्रेफरेंस लिस्ट, आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम एक बार पढ़ लेते क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस आफ्टर द लास्ट डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। लास्ट डेट मतलब 27th of June, वो लास्ट डेट है, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते अपने प्रेफरेंस लिस्ट में, क्लियर है। और यहाँ पर मैंने जो बात कही वो यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो बहुत ध्यान से भरिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम लेके ध्यान से समझ के भरना प्रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद क्या है स्टेप टू, कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक एन ऑनलाइन पेमेंट ऑफ INR 30,000 फॉर जनरल कैटेगरी और 20,000 फॉर SC ST OBC बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PWD, जो भी आप हैं वो आपको उस बेसिस पे आपको भरनी है फीस, पे आपको यहाँ पर पे करनी है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट, तो वो आपको पे करनी है, ठीक है। आप जैसे पे कर दोगे तो यहाँ पर आप पे कर दोगे तो यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेसफुल की ऑप्शन आ जाएगी, तो वो आपको काम आप कर दोगे तो आपका जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट डन सक्सेसफुली, ये आपका जब लिखा हुआ आ गया और आपने NLU प्रेफरेंस जो है वो अपडेट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने आपकी जो आपने क्लैट के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए आपने काम पूरे कर दिए, आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपने सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया आप क्लैट काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेमेंट शैल मेड वाया ऑनलाइन मोड ओनली, कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल लास्ट मिनट टू मेक पेमेंट्स, क्योंकि भैया काफी बार होता है कि आप पेमेंट्स के लिए आप वेट कर रहे हो
और आपने आप पेमेंट्स आप सोच रहे हो कि बॉस 27th को रात को 10 बजे 11 बजे आप सोच रहे हो पेमेंट कर देंगे, तो और उस टाइम पे कोई कारण से, भगवान ना करे बट कोई कारण से मान लो कि लाइट चली गई या कुछ हो गया, तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाता है आपके पास, आपके साथ एक दिक्कत हो जाएगी ये बहुत बड़ी कि आप उस टाइम पे कोई कारण से आप पेमेंट नहीं कर पाए। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 27 तारीख को रात को 11 बजे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, और उस टाइम पे कोई नेट फेलियर, कोई लाइट चली गई, कुछ हो गई, तो बॉस पज लोगे, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ मत करना, जितनी जल्दी हो सके NLU प्रेफरेंस अपडेट कर दो और पेमेंट कर दो, क्योंकि ये काम जितनी जल्दी हो उतने अच्छा है। कोई भी चीज को लास्ट मिनट तक मत टालो। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसा हुआ है, ये चीज हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी रैंक आई थी समवट अराउंड 2000, उसने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई बट वो पेमेंट करना भूल गया। पेमेंट करना वो सोचा कि कल कर देंगे, और रात को वो कहीं बाहर चला गया, उसे आने में लेट हो गई, और 12:15 बजे उसने पेमेंट लिंक खोला, एंड उस टाइम पे कोई नेट फेलियर था, नेट फेलियर के चक्कर में उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वो कंसिडर्ड नहीं था, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए उसने वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो उससे कोई सीट अलॉट ही नहीं, उसका क्लैट वॉज अ कंप्लीट वेस्ट। तो लास्ट मिनट तक वेट मत करना, ये काम कर दो। Only those candidates who successfully complete the counseling registration process will be considered for allotment of seat. कि आप अगर आपका counseling registration process complete है तो ही आप consider होगे कोई seat के लिए। अगर ये काम complete नहीं किया है तो आप consider नहीं होगा, आपको कोई seat allot नहीं होगी। Doesn't matter whatever is your rank. Clear? Candidates who do not complete participate in the counseling seat will not be considered for allotment seat. Very simple. Mere registration for counseling process counseling will not guarantee you a seat, as 5 times candidates over and above the intake will be invited and registered. तो आपने register कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको NLU की seat मिल गई, ठीक है, तो मतलब ये मत सोच लेना कि बॉस मैंने register कर दिया, मैंने fees 30,000 pay कर दिया, NLU preference भर दिया, अब मुझे NLU मिल जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ये आपने अभी सिर्फ counseling के लिए register किया, you have not given any, you have not received any allotment in any seat. Clear? Candidates who have not received invite for counseling process in the first round may be called in the subsequent round in case vacancies, if any, arise in that particular category. तो इसीलिए ये calendar के according subsequent categories में आपको हो सकता है invite आ जाए, तो इसीलिए जो ये site है इसे बार बार check करते रहना, जिन लोगों का नहीं है। Clear? ऐसा मत सोचना कि बॉस अब नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप ये जैसे हम जब ये यहाँ पर हम अब NLU प्रेफरेंस अपडेट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो हमने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। वंस वी हैव कंप्लीटेड आवर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फिर हम देखेंगे कि 30th of June ऑन दिस डे फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, तो उसमें जो जो NLU जितने भी NLU सबके अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, तो उसमें जो जो लोगों को NLU मिला है, the ones who have got any allotment, उन लोगों के पास at that point they will have 3 options, ठीक है। The first list आई, उसके बाद candidates who are selected in the first list will have 3 options, उनके पास 3 option रहेगी। पहला option है कि आपको suppose कीजिए आपको आपकी rank कुछ है, आपको उस according आपने जो preference भरा, आपको उसके according आपको एक NLU मिल गई। मैं for example लेता हूँ, आपको NLU जोधपुर मिल गई, ठीक है। अब आपके पास 3 option, पहला By selecting this, accept the allotted seat, कि आप जो आपको जो allotted seat है वो आप accept कर लो। तो by selecting this option, you agree to accept the allotted seat. आपको NLU जोधपुर में seat मिली, आपने NLU जोधपुर accept कर लिया, आपने कोई अब आपको कोई change नहीं चाहिए, आपको कोई change नहीं मिलेगा, आप अब NLU जोधपुर क्या fees दे दोगे, उसके बाद आप NLU जोधपुर में admitted हो गए। Candidates will not be allotted to his or her other option even if vacancy arises at later stage. कि आपने 5 option दिए थे, NLS, NUJS, NLU जोधपुर, NLU भोपाल और NLU लखनऊ। तो इसके बाद आपको मान लीजिए जोधपुर मिला और आपने एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट कर लिया, और आपको फिर इसके ऊपर मान लीजिए दो थर्ड फोर्थ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट में NLU के टाइम पे NLU NLS में मान लीजिए वैकेंसी आती है, और अगर आप और आपको हो सकता था मिल जाए, बट चूंकि आपने जो आपको अलॉटेड सीट है वो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने वहां पर आपने कह दिया कि मुझे ये सीट चाहिए,
बस बात खत्म, आपको आप उसके लिए कंसिडर नहीं किए जाओ, क्लियर है। और इस यहाँ पर अगर आप ये करते हो तो आपको जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कंसोर्शियम पे अपडेट कंसोर्शियम पे अपलोड कर देने होंगे, एंड मेक पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फीस माइनस द एप्लीकेबल काउंसलिंग फी टू द अलॉटेड एनएलयू। तो जो अलॉटेड एनएलयू है, ये सपोज कीजिए आपको एनयू जेएस मिला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो भी फीस है, सपोज कीजिए मैं फर्ज करता हूँ 2 लाख रुपए आपको फीस देनी है, तो 2 लाख में से 30,000 या 20,000 जो आपने काउंसिलिंग के लिए भरे वो डिडक्ट कर देंगे, और बचे हुए पैसे 1,70,000 या 1,80,000 जो भी है वो आपको अपने अलॉटेड एनएलयू को पे कर देने, ठीक है। और वो डिटेल्स आपको कंसर्न एनएलयू पे मिल जाएंगे, जो भी आपका एनएलयू है, एनयू जेएस, एनएलयू जोधपुर, एनएलएस जो भी है, उसमें आपको वो कंसर्न डिटेल्स मिल जाएंगे। तो ये आप कर दोगे, आपको काम हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या होती है स्टूडेंट्स के पास, पहले ऑप्शन तो ये हो गई कि एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, जो आपको सीट मिली आपने उसे राजी खुशी ले लिया। अप्लाई फॉर रिवाइज, कि आपको तो कैंडिडेट्स choosing revise option are required to make payment of the requisite fee to the allotted university. तो ये जो apply for revise है, ये है कि आपको जो seat मिली है वो ठीक है, वो आप lock कर दे रहे हो, but आप revise के लिए apply कर रहे हो कि future में अगर कोई vacancy आती है मेरे preferences में जो ऊपर के NLUs हैं तो मुझे दे देना वो। तो this is like कि मैं जो मिला है वो ठीक है, बट अगर बेटर होने की स्कोप है या जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो मैंने ऊपर एनएलयू चूज किया है अगर वो मिल रही है तो वो दे दो। तो यहाँ पर भी आपको जो आपको सपोज कीजिए आपको एनएलयू जोधपुर मिला या एनयू जेएस मिला, तो आपको उसके फीस देनी पड़ेगी। जो फी की सपोज कीजिए फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आपको एनयू जेएस मिला है, आपने उस अब आपने ये ऑप्शन चूज किया अप्लाई फॉर रिवाइज की, भैया मुझे रिवाइज के लिए अप्लाई करना है, तो उस पॉइंट पे भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे कंसोर्शियम के वेबसाइट पे, और आपको जो उसकी फीस है जो भी फीस है एक्स माइनस द काउंसलिंग फीस वो आपको उस एनएलयू को पे कर देनी होगी। तो उससे क्या हो गया, आपकी सीट लॉक हो गई, क्लियर, आपकी सीट लॉक हो गई। और अगर नेक्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में आगे पीछे की कोई भी प्रोविजनल लिस्ट में अगर वैकेंसी आती है तो वो आपको बता देंगे, और आपका तब आपने जो आपका नया एनएलयू है जिसमें आप जो आपका प्रेफरेंस इसमें ऊपर था, जिसमें वैकेंसी आई, जो आपका रिविजन के बाद एनएलयू आपको मिला, आपको उसमें फिर आपको उसमें जाना होगा, आपको उसमें फीस भरनी होगी और आपको उसमें एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव टेकन एडमिशन एंड पेड रिक्विजिट फी एंड अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स ऑन द कंसोर्शियम वेबसाइट विल बी कंसिडर्ड फॉर रिवाइज ऑप्शन। तो भाई बॉस, ये बहुत जरूरी है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे और जो फर्स्ट लिस्ट में अलॉटेड एनएलयू है उसकी फीस पे करनी होगी, तभी आप रिवीजन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। अ कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड अ सीट एंड हैज नॉट पेड द फी एंड अपलोडेड द डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन एंड रिवाइज ऑप्शन, ठीक है। तो ये मत करना कि आपने रिवाइज ऑप्शन चूज किया और आपने रेस्पेक्टेड एनएलयू की सीट ही नहीं चूज फीस ही नहीं भरी, तो उस केस में आपने सीट लॉक नहीं किया है, तो आपको रिवाइज तो आप छोड़ दो, आपको जो करंट ऑप्शन है ना उसमें भी नहीं मिलेगी। कि सपोज कि जब आपको फर्स्ट आपने 5 लिस्ट भरे थे, एनएलएस, नालसर, एनयूजेएस, जोधपुर, भोपाल, आपको एनएलयू जोधपुर मिला, आपने जोधपुर की फीस नहीं भरी बट आपने रिवाइज के लिए अप्लाई किया, तो भविष्य में आपको रिवाइज के लिए तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, बट चूंकि आपने फीस भी नहीं भरी थी तो आपको जो जोधपुर की सीट है वो भी आपके से चली गई, तो इसीलिए फीस भर देना। For the candidates who have chosen this option, his or her current allotted seat will be locked. ध्यान से देखिए, current allotted seat will be locked and he or she will be considered for allocation in any of the option preferred NLUs above the current NLU if vacancy arises. Clear है? तो आपको अगर third preference के NLU मिली है, तो preference one और preference two में जो NLUs है, उसमें अगर कोई vacancy होती है, तो आपको consider किया जाएगा. Clear? तीसरा ऑप्शन क्या होता है, एग्जिट फॉर दी फ्रॉम दी क्लैट एडमिशन प्रोसेस। इफ एनी कैंडिडेट चूजेस दिस ऑप्शन, ही और शी फॉरफीट्स अ क्लेम फॉर एनी सीट अलॉटमेंट फ्रॉम द क्लैट कंसोर्शियम, ही और शी विल लूज हिज और हर करंट अलॉटेड सीट एंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट इन द सब्सिक्वेंट लिस्ट्स आल्सो। नोट, इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ द अबव ऑप्शन ए बी और सी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इट शैल बी डीम्ड दैट ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द एडमिशन process and his or her candidature
will not be considered for admission. Such candidate will lose the current allotted seat and his or her name will also be removed from the counseling process and will not be considered in subsequent lists also. Candidates who did not get allotment in this list will have to wait for the next list. Clear है? यहां तक सब समझ में है? बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां पर ये देख लीजिए, ये जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट का काम है, फीस पे करनी है और चूज कर आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, लॉक एक्सेप्ट द सीट, अप्लाई फॉर रिवाइज या एग्जिट द एडमिशन प्रोसेस, ये आपको करनी है 30th जून से 2nd ऑफ जुलाई के बीच में, ठीक है? विद इन 3 days, ये जो 3 से 4 दिन का टाइम है, इन दिनों में आपको ये काम करनी है, ठीक है? तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि फीस भी आई वुड से कि आप एक अमाउंट रेडी रखिएगा, क्योंकि हेफ्टी अमाउंट होता है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बड़ा अमाउंट होता है फीस का भी, तो दो तीन दिनों में आपको फीस जमा करनी होती है, तो इसीलिए आई वुड से कि फीस जो है वो आप रेडी रखिए, ठीक है? आप अप्रोक्सीमेटली नहीं भी तो कम से कम आई डोंट नो फीस अबाउट ऑल द एनएलयूज, बट आपने जो प्रेफरेंस भरी और आपको जो लग रही है, जो आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से आप एक बार फीस कैलकुलेट करके देख के एक लमसम अमाउंट एक रेडी रखना, ठीक है? दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, क्लियर है? फिर क्या होगी, फिर 7th ऑफ जुलाई को सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ठीक है? सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो आती है ये किस बेसिस पे आएगी? सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आएगी कि दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई, द कंसोर्शियम विल अनाउंस सेकेंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट कंसिडरिंग ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सेम बात है कि भैया अगर आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया था, 30,000 या 20,000 आपने भरे थे, एनएलयू प्रेफरेंस दिया था, तो ही आप कंसिडर्ड हो गए सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए भी, ठीक है? तो इसमें किन किन लोगों का नाम रहेगा? पहला तो इनमें नाम रहेगा जिनको या तो पहले एनएलयू में कुछ नहीं मिला, पहले लिस्ट में कुछ कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुई, बट और कोई एनएलयू में वैकेंसी खाली है. सेकेंड अलॉट जो अलॉटमेंट लिस्ट आती है ना, वो सब डिपेंड करती है वैकेंसीज पे, तो कौन से एनएलयू में कितने वैकेंसी है उस बेसिस पे आती है, ठीक है? तो इसमें कौन कौन लोग सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट के लिए कंसिडर्ड होंगे? जिनको एक भी एनएलयू या तो नहीं मिला, या जिनको मिला था और उन्होंने रिविजन के लिए अप्लाई किया, दे उनकी नाम आएगी इसमें, ठीक है? इसमें भी आपको सेम 3 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, अप्लाई फॉर रिवाइज, एग्जिट फ्रॉम क्लैट एडमिशन प्रोसेस. सेम जैसा पहले था वैसा ही सेम 3 ऑप्शन रहेगा, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या तो आप अप्लाई फॉर रिवाइज करो, या तो आप एग्जिट कर दो. और वैसे ही सेम प्रोसीजर से 3rd आएगी, फिर 4th आएगी, और फिर 5th आएगी, ठीक है? 5th में आपके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट या एग्जिट. 5th में आपके पास 5th के बाद और कोई रिवाइज का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि 5th अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो लास्ट रहेगी, ठीक है? अब जो रिफंड है कि काउंसलिंग फीस, क्या बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि सर जो काउंसलिंग फीस है उसका क्या होगा? मान लीजिए कि आपने 30,000 रुपए दिए, बट आपको कोई एनएलयू नहीं मिला, या आपको जो एनएलयू मिल रहा था आपको नहीं लेना था, और आपने एडमिशन प्रोसेस से एग्जिट कर दिया, तो क्या होगा? आपको आपके वो 30,000 या 20,000 जो भी आपने दिए थे वो क्या वो आपको मिलेंगे? तो बिल्कुल. इफ अ कैंडिडेट डज नॉट गेट अ सीट आफ्टर द रिलीज ऑफ 5 लिस्ट बाय द कंसोर्शियम, द टोटल अमाउंट पेड 30,000 to 20,000 विल बी रिफंडेड टू देम विदाउट एनी डिडक्शन. कोई डिडक्शन नहीं, जितने आपने पे किए थे उतने आपको मिल जाएंगे. इफ अ कैंडिडेट चूजेस टू एग्जिट द सीट, एग्जिट द काउंसलिंग प्रोसेस और डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द सीट ऑफर्ड टू हिम इन द फर्स्ट 4 लिस्ट नोटिफाइड बाय द कंसोर्शियम, एन अमाउंट ऑफ 30,000 और 20,000 विल बी रिफंडेड, ठीक है? आपने अगर पहले 4 लिस्ट में आपको कोई सीट मिली वो आपने नहीं एक्सेप्ट की, या और आपने एग्जिट कर दिया, या जो भी फंडा आपको अगर सीट नहीं मिली, या आपने मिली थी बट आपने आपको वो पसंद नहीं थी और आपने काउंसलिंग प्रोसेस एग्जिट कर दिया, तो आपको पूरे अमाउंट मिल जाएंगे, 20,000 30,000 जो भी थे आपको मिल जाएंगे. बट आफ्टर 4th लिस्ट इफ अ कैंडिडेट चूजेस टू विदड्रॉ द कंसोर्शियम विल डिडक्ट 5,000. क्या 4th लिस्ट आ गई, उसके बाद 5वीं लिस्ट जब आई, उसके बाद आप एग्जिट करना चाहो, तो क्या होगी? आपके 5,000 रुपए डिडक्ट होंगे. क्यों डिडक्ट होंगे? क्योंकि बॉस तूने 5 लिस्ट के लिए वेट किया,
और पांच लिस्ट के बाद भी तूने कोई एनएलयू चूज नहीं किया, तो तेरी सीट जो है वो वेस्ट गई, वहां पर और कोई कैंडिडेट जो था वो मिल जाता, तो एंड फॉर ब्लॉकिंग द सीट एंड पुटिंग अवेटिंग कैंडिडेट्स एट डिसएडवांटेज, ठीक है, तो इसलिए आपके 5,000 रुपए कटेंगे, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट फाउंड ineligible ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड by him or her, an amount of 5,000 will be deducted and the balance will be refunded. ठीक है, फिर क्या है, refund will be given to the same amount from which counseling fee was paid. Request to settle amount refunds to other account will not be considered. कि आपने मान लीजिए आपने पे किए थे अपने पापा के एक बैंक अकाउंट से और आप रिफंड चाह रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, तो वो नहीं होगा, जो अकाउंट नंबर से पेमेंट आया था उसी अकाउंट नंबर में पेमेंट चला जाएगा, ठीक है, ये फंडा है। Process will be followed by the candidates who accepted the seat or opted for revised option. तो जो लोगों ने या सीट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली या opted for revise किया, तो उनको क्या करना है, documents to be uploaded on the consortium website. तो जो documents वहां पर आपसे मांगेंगे वो आपको consortium website पर जमा करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा, ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखिए और चेक कर लीजिए ये आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी है कि नहीं, नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। पहला डॉक्यूमेंट क्या है, 10th और इक्विवेलेंट मार्क स्टेटमेंट, 12th और इक्विवेलेंट मार्क स्टेटमेंट, एडमिट कार्ड और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कोई रिजर्व कैटेगरी में लगाई है तो, अपने वो दिए हैं आपने कोई रिजर्व कैटेगरी के अंडर आपको सीट मिली है तो, PWD सर्टिफिकेट अगर आपने PWD कैटेगरी के अंडर आपने अप्लाई किया तो और आपको PWD कैटेगरी के अंडर सीट मिली है, डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड एंड अलॉटेड अंडर डोमिसाइल, ठीक है, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू क्लेम योर सीट फॉर द कैटेगरी यू हैव अप्लाइड। तो आपने जो भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया अगर उसके लिए कोई अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो भी रेडी रखिएगा, क्लियर है। फिर क्या है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए उसके बाद कैंडिडेट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट दे नीड टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फी टू एनएलयू अलॉटेड आफ्टर डिडक्टिंग काउंसलिंग फी पेड टू द कंसोर्शियम टू द रेस्पेक्टिव एनएलयूज डायरेक्टली। तो आपने जो भी आपके एनएलयू की फीस है उससे आपने जो काउंसलिंग के लिए फी पेमेंट की थी उसे हटा दो और बचे हुए पैसे रिस्पेक्टेड एनएलयूज को पे कर दो, ठीक है। और फीस पेमेंट्स की जो डिटेल्स और बाकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है उसके लिए आपको जो भी एनएलयू अलॉट हुआ है, जो एनएलयू में भी आप जाना चाह रहे हो, जो एनएलयू आपको अलॉट हुआ है वो एनएलयू के रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स आप चेक करना, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट आफ्टर एक्सेप्टिंग द सीट और ऑप्टिंग फॉर रिवाइज ऑप्शन फेल टू अपलोड द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन कंसोर्शियम वेबसाइट एंड पे द रिक्विजिट फी टू एट द एनएलयू, ही और शी विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द एडमिशन बाय द सेड एनएलयू। हेंस candidates are required to visit the website of the allotted NLU and make requisite payments within stipulated time to confirm their admission. In case of any discrepancies found in the document submitted, the concerned NLU reserves the right to cancel the admission and take serious legal action against the candidate. All the candidates are advised to note that seat allotment in any of the merit list and subsequent admissions in the NLUs are provisional in nature. ठीक है, और यहाँ पर अब दो तीन इन्फो है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली विजिट द कंसोर्शियम वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट्स, ये बहुत जरूरी है बॉस, रेगुलरली अपडेट विजिट करते रहना वेबसाइट कोई भी अपडेट आए तो, और ध्यान से पढ़ना जो भी डॉक्यूमेंट जो भी PDF अपलोड कर रहे हैं, जो भी इन्फो दे रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ना। द कैंडिडेट शुड ऑल्सो विजिट वेबसाइट्स ऑफ मेंबर NLUs फॉर डिटेल्स with regard to the fee to be paid for acceptance of their candidature. The candidates are required to check the individual NLU websites for further vacancies after closure of fifth list of the consortium. Admission against vacancies, if any, shall be made by the individual NLU strictly in accordance with CLAT 2022 merit. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपने कि आपने जो भी सीट चूज की है, ओके, इधर का काम हो गया, ठीक है गाइस। तो ये जो था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर जो है इसमें डेट्स मेंशन्ड है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट एनी सच थिंग नहीं है जो मुझे एक्सप्लेन करनी पड़े। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन कैलेंडर और जो दूसरी डॉक्यूमेंट थी दैट इज
कि ये वाली काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन, ये दोनों को मैंने तो एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, बहुत ध्यान से एक बार फिर से ध्यान से पढ़ना, और कहीं भी अगर कुछ भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन लगे, कुछ भी लगे, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कुछ भी ऐसे अपने मर्जी से मत कर देना कि यार मुझे तो लग रहा है ये ऐसा ही होगा तो कर देते, नहीं, बहुत सीरियस मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको हल्के में मत लो, ठीक है। आपकी रैंक आई हुई भी अगर आपने यहाँ पर एक भी गलती कर दी तो वो वेस्ट चली जाएगी, तो इसीलिए प्रेफरेंस बहुत ध्यान से अपलोड करना, अपडेट करना, पेमेंट कर देना बॉस जितनी जल्दी हो सके, क्लियर। और उसके बाद जो एक्सेप्ट करने की पॉइंट है या ऑप्ट टू रिवाइज, वो बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, क्लियर। ये बात है, ठीक है, तो इसके लिए अभी इतना ही था, ठीक है गाइस। तो अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि सबकी जैसे ये 5 जितनी सीट्स हैं उससे 5000 उससे 5 टाइम्स ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं काउंसलिंग, तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं क्या बिल्कुल ऐसा होगा कि जितने लोगों को इनवाइट किया है उनमें से 1/5 लोगों को एडमिशन देता है, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर बात है कि बचे हुए लोगों को यहाँ से एडमिशन नहीं मिलता है, बट इसमें एक चीज आती है कि कोई भी रेस्पेक्टिव एनएलयूज में, जो बाकी जितने भी 21-22 एनएलयूज हैं, उनमें क्या होती है कि वहां पर लोगों को, वो लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस पर भी अगर कोई वैकेंसी है कि सपोज कीजिए कोई कोई एनएलयू के पास 120 सीट थी, उसमें 118 बच्चों ने एडमिशन किया, 2 सीट उसके पास वेकेंट है, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे एडमिशन ले सकती है बेस्ड ऑन योर क्लैटर। तो वो चीज के लिए इंडिविजुअल एनएलयू विजिट करते रहना, वो लोग कभी भी वैकेंसी के लिए अगर रिलीज करते हैं तो जाना, समझना, जो हो कोशिश करते रहना, अपना यहाँ पर कोशिश करते रहना, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लोगों का, जो लोग को यहाँ कोई सीट नहीं मिली, आपकी रैंक अगर थोड़ी कम रह गई है, डिसहार्टन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनएलयू में पढ़ रहे हो इसका मतलब ही है यू आर द ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द कंट्री, आप इंडिया के सबसे टॉप लॉयर बनोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आगे और भी एग्जाम्स हैं, आज एलिट हुआ है, एलिट पे भी मैंने आप लोगों को कहा था फोकस करना, और अगर कोई कारण से एलिट अच्छा नहीं गया हो तो कोई इशू नहीं है, आगे MSCTI की, BHU के एग्जाम्स हैं, स्लैट है, तो और स्टेट्स के अपने अपने एग्जाम है, तो ये सब आई वुड सजेस्ट कि वो एग्जाम्स हैं, फोकस करो आगे, क्लैट इज नॉट द वन एंड ओनली एंड, आगे बहुत चीजें, तो डिसहार्टन मत हो, क्लियर है। और ये जो रजिस्ट्रेशन की फीस है, ये जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, आगे उसके बाद जो स्टेप्स देने हैं, बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल मजाक में मत लेना इसको, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, फीस के जो पैसे हैं उन्हें 1.5 लाख जो भी लगेंगे, आई हैव नो आइडिया बाकी एनएलयूज के क्या है, तो जो भी हैं वो देख के समझ के फीस रेडी रखना, क्योंकि फीस की वजह से आई डोंट पर्सनली मैं ये चाहूंगा कि कहीं भी फीस की वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एंड तो ये सब बात है और दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये काम हो जाए, ये हो जाए, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाना, ठीक है, एनर्जी मिल गया है, खुश रहना, क्लियर। यही बात था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने आप लोगों को काउंसलिंग वीडियो, जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी होगी, आई होप आप लोग सबको समझ भी आ गया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसे बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दूंगा, क्लियर। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनएलयू प्रेफरेंस जो भरनी है, फीस पेमेंट सब बहुत ध्यान से करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, क्योंकि कहीं भी छोटी सी गलती भी इट कैन बी लीथल, बहुत डेंजरस हो सकती है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट टेक टेंशन, मैं हमेशा कहता हूँ। एंड अगर किसी को एनएलयू नहीं मिलती है तो डोंट फील डिसहार्टेंड, एनएलयू इज नॉट द ओनली मीन्स एंड ओनली एंड, आगे बहुत चीजें हैं, बहुत चीज अचीव कर सकते हो, एनएलयू वाले ही दम आइंस्टाइन नहीं होते हैं, और राम जेठमलानी भी सिर्फ एनएलयू से नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो आगे बहुत चीजें हैं, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी, और ये तो सिर्फ एक माइलस्टोन था, इस पे डिसहार्टन मत हो, कंटिन्यू योर जर्नी, कीप पुटिंग एफर्ट्स, और आगे और भी मौके आएंगे, ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज रादर देन feeling disheartened about this one, clear, that's all for today, bye bye, see you, take care.